हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रोमन रेंस की टाइटल वर्सेस टाइटल मैच देखने मिलने वाली है, और क्या द बिग डॉग बनने वाले हैं ड्यूअल चैंपियन। प्लस हम बात करेंगे आज के क्लैश ऑफ चैंपियंस पे पर व्यू के मेन मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज का जो क्लैश ऑफ चैंपियंस पे पर व्यू था वो काफ़ी कमाल का था। काफ़ी सारे शॉकिंग थिंग्स एंड रिटर्न्स हमें देखने मिले आज के क्लैश ऑफ चैंपियंस में। तो क्या है क्लैश ऑफ चैंपियंस के मेन मैचेस के रिजल्ट्स, प्लस क्या रोमन रेंस बनने वाले हैं WWE चैंपियन एंड इवन यूनिवर्सल चैंपियन, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं क्लैश ऑफ चैंपियंस के मेन मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में। फर्स्ट मैच की बात करें तो बॉबी लैशली ने हरा दिया है अपोलो क्रूज को वाया सबमिशन, एंड ऐसे उन्होंने रिटेन कर ली है अपनी US चैंपियनशिप। एंड सरप्राइजिंगली हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेली जो है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन वर्सेस आस्का जो है रॉ वुमेन्स चैंपियन के बीच में हमें मैच देखने मिली। बट ये मैच हुई एंड डिस्क्वालिफिकेशन में, जब साशा बैंक्स अगर अटैक करती है बेली को, तो डिस्क्वालिफिकेशन से जीती रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का। और दोस्तों, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बात करें तो सेमी जेन कैब ड्राइवर ने हरा दिया जेफ हार्डी एंड एजे स्टाइल्स को, और वो बन चुका है अब अनडिस्प्यूटेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और दोस्तों, बात करें WWE चैंपियनशिप की, जो थी एम्बुलेंस मैच बिटवीन ड्रू मैकइंटायर एंड रैंडी ऑर्टन, इनकी मैच काफ़ी कमाल की थी। और इस मैच में काफ़ी बड़े रिटर्न्स हुए, लाइक शॉन माइकल्स, रिक फ्लेयर, बिग शो एंड इवन क्रिश्चियन। ये सारे लोगों को रैंडी ऑर्टन ने पंट किक मार के बाहर कर दिया था एंड इंजर्ड कर दिया था WWE से। तो मोस्टली सभी ने अटैक किया रैंडी ऑर्टन पर, एंड देन लास्ट में रिक फ्लेयर थे ड्राइविंग सीट पर ऑफ द एम्बुलेंस। एंड देन इन द एंड ड्रू मैकइंटायर एक पंट किक दे देते हैं रैंडी ऑर्टन को, और उन्हें एम्बुलेंस पे डालकर डोर क्लोज कर देते हैं, एंड ऐसे वो जीत जाते हैं एम्बुलेंस मैच एंड रिटेन करते हैं अपना WWE चैंपियनशिप। काफ़ी अच्छा मैच था ये। एंड द मेन इवेंट, रोमन रेंस हरा देते हैं जे उसो को एंड रिटेन करते हैं अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। जे उसो के ब्रदर जिमी उसो आते हैं टॉवेल लेकर, और वो देख नहीं पाते कि रोमन रेंस उनके भाई को कितना तोड़ रहे हैं, कितना मार रहे हैं, और इसकी वजह से मैच रुकाना पड़ता है क्योंकि जिमी उसो चाहते हैं मैच रुकाने। तो दोस्तों, ये है क्लैश ऑफ चैंपियंस के मेन मैचेस के रिजल्ट्स। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है WWE के पेपर व्यू के डेट से। दोस्तों, आज के क्लैश ऑफ चैंपियंस में यह अनाउंस हुआ कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू होने वाला है October 25 को। और दोस्तों, हेल इन अ सेल लास्ट पेपर व्यू होने वाला है इनसाइड द थंडरडोम। तो फिर दोस्तों, हेल इन अ सेल के बाद WWE जा सकते हैं किसी और अरेना में परफॉर्म करने के लिए। सो लेट्स सी कौन सा अरेना होता है वो। प्लस दोस्तों, WWE ने अनाउंस किया है कि ड्राफ्ट होने वाला है, और ये होगा ड्राफ्ट 2 days का, और ये शूट होगा फ्राइडे को ऑन October 9 स्मैकडाउन पर, और कंटिन्यू होगा, और ये ड्राफ्ट कंटिन्यू होगा रॉ पर, जिसकी डेट होगी October 12 को। तो दोस्तों, October 9 एंड October 12 को होने वाला है WWE का ड्राफ्ट। तो अभी देखना होगा कि कौन से सुपरस्टार्स आते हैं इस ड्राफ्ट के लिए, एंड कौन सी बड़ी शॉकिंग चीज़ें हमें देखने मिलती है इस ड्राफ्ट में। चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में, जो जरूरी है WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर वर्सेज यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की बहुत बड़ी मैच के बारे में। जैसे आपको पता है कि रोमन रेंस ने आज एक न्यू गियर रॉक किया था, और वो जच रहे थे उस गियर में, उनकी बॉडी काफ़ी तगड़ी लग रही थी, और उन्होंने हरा दिया जे उसो को। और बात करें मैकइंटायर की, तो मैकइंटायर ने भी हरा दिया रैंडी ऑर्टन को, और ऐसे इन दो चैंपियंस ने अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लिया एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। तो दोस्तों, क्या हमें इन दोनों की मैच देखने मिल सकती है, इस पर ड्रू मैकइंटायर ने एक अच्छी बात कही है। ड्रू मैकइंटायर का इंटरव्यू हुआ था विद विसेंट बेल्ट्रेन के साथ ऑफ वाइव एंड रेसलिंग, जहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने ये कहा था कि रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों शो में काफ़ी अच्छा बैलेंस है। हर शो में आपके पास ऐसा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आपको लेके जा सकती है हैवीवेट चैंपियनशिप तक, या फिर US चैंपियनशिप आपको लेके जा सकती है नेक्स्ट चैंपियनशिप तक। वुमेंस टाइटल तो है ही, प्लस वुमेंस के टैग टीम चैंपियनशिप्स भी है, और अगर मैं एक और टाइटल जीतना चाहूँ तो मैं मैच करना चाहता हूँ रोमन रेंस के साथ फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और ऐसे मैं बनना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग चैंपियन, और ये मैच बिटवीन मी एंड रोमन रेंस ये काफ़ी तगड़ी मैच होगी। भले ही रोमन रेंस कुछ टाइम के लिए बाहर चले गए थे WWE से अभी, बट अब जब वो आए हैं वापस, वो एक न्यू एटीट्यूड के साथ आए हैं, वो एकदम बफ लग रहे हैं,
प्लस उनका जो टैलेंट है वो और भी उबर कर आ रहा है। एंड मे बी समटाइम इन द फ्यूचर हमें मैच देखने मिल सकती है मेरे एंड रोमन रेंस के बीच टाइटल वर्सेस टाइटल, और ये बहुत बड़ी मैच होगी। तो दोस्तों यही था कहना ड्रू मैकइंटायर का। चैंपियन वर्सेस चैंपियन की मैच हमें देखने मिलती है सर्वाइवर सीरीज में, बट यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि उन्हें यूनिवर्सल चैंपियन भी बनना है, मतलब ड्यूअल चैंपियन। तो हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन मतलब चैंपियनशिप ऑन द लाइन वाली मैच किसी बड़े पेपर व्यू में ही देखने मिलेगी अगर विंस ने चाहा तो। तो अगर इन दोनों की मैच होती है तो अगर पुश की बात की जाए तो ड्रू मैकइंटायर से ज़्यादा रोमन रेंस को काफ़ी तगड़ा पुश है। तो अगर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर वर्सेज यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बीच में मैच होती है सम टाइम इन द नियर फ्यूचर, तो हम कह सकते हैं अभी कि रोमन रेंस ये मैच जीत सकते हैं और ऐसे वो ड्यूअल चैंपियन बन सकते हैं, WWE चैंपियन एंड इवन यूनिवर्सल चैंपियन। और जैसे आपको पता ही है कि सेथ रॉलिंस काफ़ी बार ड्यूअल चैंपियन बने हैं और रोमन रेंस एक बार भी नहीं। तो अगर ये मैच होती है जैसे ड्रू मैकइंटायर ने सजेस्ट की है तो रोमन रेंस WWE चैंपियन एंड यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं एट द सेम टाइम। सो लेट्स सी क्या ये मैच होती है एंड क्या विंस इन्वेस्ट करते हैं इतना ज़्यादा ऑन रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर या फिर नहीं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा आज का क्लैश ऑफ चैंपियंस पे पर व्यू, सेकेंड आपकी फेवरेट मैच कौन सी थी इस पूरे पे पर व्यू में, थर्ड आप कितने एक्साइटेड हैं हेल इन अ सेल एंड ड्राफ्ट के लिए, एंड फोर्थ क्या आप टाइटल वर्सेस टाइटल की मैच देखना चाहेंगे बिटवीन ड्रू एंड रोमन, एंड क्या आप रोमन रेंस को ड्यूअल चैंपियन बनता देखना चाहेंगे। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।